सो व्हाट इज अप लवली पीपल्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। टेक्निकल भोपाल की एक और नई फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शर्मा का जो आज की वीडियो होने वाली वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली। बेसिकली आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आप अपनी i20 को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, एंड इसकी जो है कपल ऑफ सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। तो इनमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप अपने बम्फर को मस्टंग टाइप बम्फर जो है गाड़ी को मस्टंग वाला लुक दे सकते हो मस्टंग टाइप बम्फर लगा के। सो ये जो है आपको इसमें पूरा प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपको इस चीज़ को करना है, एंड एक स्टेप बाय स्टेप ही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है आपका कौन सा वेरिएंट है, i20 में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। i20 एलीट भी आता है, एलीट i20 एक्टिव भी आता है, एंड बहुत सारे एक पुरानी ओल्ड i20 भी आती है। तो इन सबके जो होते हैं बम्फर एंड इनकी जो लेंथ होती है एंड ब्रेथ होती है ये अलग अलग होती है। तो इसके टाइप से जो है बम्फर बनते हैं, एंड ये जो है आपको ऑर्डर पे बनते हैं। एंड मैं कुछ अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे आप ऑनलाइन इनको जो है बनवा सकते हो, या फिर अगर आप गूगल पे टाइप करोगे मस्टंग बम्फर फॉर i20 तो आपको बहुत सारी जो है लिस्ट मिल जाएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जितने भी जो है मैंने पिक्स वगैरह लिए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, एंड क्रेडिट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर एक बम्फर लगाते हो अपनी गाड़ी में तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप अच्छे से सर्च आउट करो कि आपकी गाड़ी के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मस्टंग के लिए आपको कौन सा बम्फर चाहिए। तो मस्टंग टाइप बम्फर आते हैं i20 के लिए जो कि आराम से फिट हो जाते हैं, एंड ये जो है बनते हैं बॉडी इनकी जो रहती है वो ABS फाइबर रहती है। ज़्यादातर अगर आप जाओ तो ABS फाइबर में ही जाओ, एंड जो मेटल होता है मेटल का मत बनवाना। आप कम वेट में जो है गाड़ी और अच्छी रहेगी, एंड जो गाड़ी की स्पीड रहेगी एंड गाड़ी का लुक होगा वो ABS प्लास्टिक में अच्छा खासा आपको जो है देखने को मिल जाएगा, एंड अच्छा खासा जो प्रेशर है ये ABS प्लास्टिक झेल लेता है। तो हमेशा मटेरियल जो है ABS मटेरियल आप यूज़ करो। तो गाड़ी में जो है आगे की मस्टंग टाइप की आपको ग्रिल मालूम है, ग्रिल जो है पूरी तरीके से एक लंबी सी ग्रिल होती है। एंड तो गाइस आपको जो है इस इमेज में पूरा का पूरा दिख रहा होगा कि जो i20 की ओरिजिनल ग्रिल आती है, ओरिजिनल आपका पूरा बम्फर आता है वो किस तरीके से जो है बनता है। तो यहाँ पे जो है रेडिएटर के लिए आपका जो एकदम फ्लो एयर फ्लो अच्छा खासा रहा है तो वो भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो आपको जो वो बम्फर होता है उसमें भी ये चीज़ों को जो है एकदम हाईलाइटेड पॉइंट रखना है कि आपका जो रेडिएटर हो, जो गाड़ी का एयर फ्लो हो वो आराम से हो, एंड गाड़ी का जो इंजन है वो ज़्यादा हीट ना हो। तो इसका जो है पूरी तरीके से ख्याल रख के जो एयर फ्लो के जो आपके ब्रैकेट होते हैं वो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। आप अपने हिसाब से कस्टम बम्फर भी बनवा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर जो है आपकी चॉइस रहती है। एंड अगर मैं इसकी जो आपको प्राइसिंग बताऊं कि बम्फर कितने तक जो है, एक रेंज बता दूं मैं कि कितने तक बन जाता है, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि मिनिमम जो है इतना खर्चा आता है बम्फर वगैरह बनाने में। एंड अब जो है बात आती है कि बम्फर किस टाइप का है। तो बम्फर में आपको जो है लाइट्स देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, एंड जो पूरा बम्फर का है वो पूरा कलर मैच आपका होता है। तो गाइस बम्फर कभी भी कलर मैचिंग के साथ नहीं आता है, बम्फर आता है हमेशा या तो ब्राउन वो प्राइमर पेंट के साथ या फिर सिंपल आता है। एंड बम्फर को जो है आपको पेंट करवाना होता है आपकी गाड़ी के हिसाब से। देन जो है आपको अगर आपकी गाड़ी के अंदर IPS के प्रोजेक्टर वगैरह लगवाने हैं तो वो लगवा सकते हो, LED DRLs वगैरह जो भी लगवाना है वो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, एंड गाड़ी के जो लुक है उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको एक देखने वाली नोटिसिंग चीज़ ये भी लगेगी कि जो गाड़ी का बम्फर उसके नीचे आपको जो है लिप देखने को मिलेगा। तो ये जो है लिप होते हैं, एंड समुराइज भी आते हैं, तो जिनसे जो गाड़ी होता है ना, जो गाड़ी का आपका जो बम्फर होगा तो वो बम्फर का जो है नीचे तक जाता है, एंड जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है जो गाड़ी का स्टॉक बम्फर होता है उससे। तो क्या होता है कि गाड़ी के टकराने के चांसेस होते हैं, तो टकराने में जो है ये लिप के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एंड लिप का जो खर्चा आता है वो कम आता है। अगर बम्फर टूटता है तो ज़्यादा खर्चा आता है, तो लिप वगैरह आप लगवा सकते हो, एंड ये लिप देखने में बहुत अच्छा लगता है। साइड की स्कर्टिंग्स वगैरह आप लगवा सकते हो गाड़ी को और ज़्यादा बेटर लुक देने के लिए, एंड पीछे का बम्फर अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर ओपिनियन आपका चॉइस रहता है कि आपको किस तरीके से जो अपनी गाड़ी को एक ओवरऑल लुक प्रोवाइड करना है, तो वो जो है आप कर सकते हो। तो गाइज अगर आप चाहते हो i20 के और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखना तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। वीडियो में मजा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाना चैनल को, एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।